Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss accounting treatment of some specific fund, some special fund, that is investment allowance, investment fluctuating reserve, or investment fluctuating fund, IFR or IFF. इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी थी, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल सम में कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। हमारी बुक का जो आरबीसी बुक है उसका एक इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 50 इलस्ट्रेशन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR। ओके, सबसे मेन जो मैंने पहले भी थ्योरी में आपको चीज क्लियर कर रखी है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटेड रिजर्व अपने आप में कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है। इस फंड को क्रिएट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को बेस मानते हैं। आपने कैसे कोई ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करके जो फ्लक्चुएट होता है, जहां रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, जैसे शेयर मार्केट है, आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा चलेगा उसके अंदर, तो हम इस रिस्क से बचने के लिए, इस फ्लक्चुएटिंग अमाउंट से बचने के लिए हमने पहले एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर रखा है फ्लक्चुएटिंग अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड। ओके, तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, जब आपको IFR गिवन होगा तो नेचुरली बात है इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड है, जिस पे आप क्रिएट करोगे वो गिवन होगा। दैट मीन बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होगा और ये कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। बट हमें एक चीज पता ही रहनी चाहिए कि हम IFR का पैसा, IFR में से जो अमाउंट हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट अमाउंट जो लेंगे वो तभी ले सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट हमारा एक्चुअल में कम होगा। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है एज इट इज है या IFR के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बिल्कुल WCR की तरह, वर्कमैन कंपनी रिजर्व की तरह, हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम इस लेशन जो पेज नंबर 50 पे आपको गिवन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी ऑन 1st April 2017 फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। नया पार्टनर हमारा एडमिशन ले रहा है अपने पास में 1/5 शेयर के लिए 1st April को। अब मैं इसकी बैलेंस शीट आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 बैलेंस शीट एज ऑन 31st March। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप WCR का एडजस्टमेंट देखेंगे प्रैक्टिकली, और आज के वीडियो में हमारे पास जो है IFR है। दोनों वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसको लाइव क्लास में आपको रिपीट नहीं करूंगा, आप वीडियोस में देख के उसको एडजस्ट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। ओके, ये लायबिलिटी साइड होगी, ये मैं एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 25,000, और IFR हमें गिवन है 5,000। ओके, अब हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या बोल रहा है इसलिए। वो केस नंबर 1, 2 टोटल 5 कंडीशंस आपको दे रखी है, हम उसको क्लियर करें। केस नंबर 1, ये बोला शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग 5 अल्टरनेटिव सिचुएशंस। नंबर 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, सिंपल WCR की तरह, तो कुछ सिमिलरिटी WCR और IFR में होती है बेटा। पहला पॉइंट वही है कि WCR में भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो सेम IFR। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में गिवन होगी, IFR के बारे में नहीं।
कि हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इन्वेस्टमेंट 25 का था और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इन्वेस्टमेंट 25 का है। तो इसका मतलब होता है देयर इज नो इन्फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एज इट इज। तो ये IFR हमारा अननेसेसरी है, शुड बी रेज और क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो मेरी इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, IFR अकाउंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रुपीज 5000 टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, ओल्ड इशू गिवन है 3:2, 3000 ए के और 2000 बी के। ओके, ये होगी कंडीशन नंबर वन। केस नंबर टू, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25, सेम वही ये बोला है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 25, सेम वही की वही कंडीशन आ गई। इन्वेस्टमेंट बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कितना है 25 का और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कितना चल रहा है 25 का, कोई चेंजेस नहीं है। मैं ऐसी कंडीशन में भी क्या मानूंगा, पहले भी इन्वेस्टमेंट 25 अब भी, तो IFR इज अननेसेसरी, इट इज ट्रेटेड एज ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सेम एंट्री IFR अकाउंट है मेड टू AS कैपिटल अकाउंट 3000 वही ओल्ड इशू में और टू बीस कैपिटल अकाउंट रुपीज 2000। ओके, नरेशन अगर मैं लिखूंगा दोनों कंडीशन में तो भी IFR डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्टेड या क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओके, कंडीशन नंबर थर्ड, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 22000, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा, इफ मार्केट वैल्यू कम हो गई है इन्वेस्टमेंट की, मतलब इन्वेस्टमेंट 25 से गिरकर कितने रुपए पे आ गए, डाउन हो गए 22 पे, 3000 रुपए डिक्रीज हो गया। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is रुपीज 22000, सबसे पहले डिक्रीज अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिक्रीज तो है, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन 25 का है, आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने पे आ गए बेटा 22 पे है, दैट मीन्स 3000 चीज जो आपको देखिए बेटा वो ये है, हमने इसीलिए तो IFR बना रखा है कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाए तो शुड बी एडजस्टेड आउट ऑफ IFR। ये हमारा कोई रिवोल्यूशन लॉस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं, हमने पहले ये सोच रखा है कि हम ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लिसन केयरफुली जहां हमारा पैसा जो है फ्लक्चुएट होगा, डिक्रीज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा तो कोई बात नहीं है, आप उसमें भी IFR को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, बट अगर डिक्रीज हो गया तो उसके लिए हमने क्या फंड बना रखा था IFR, आप वहां से एडजस्ट करेंगे। लेकिन IFR आपने कितना क्रिएट कर रखा है 5000, जबकि आपके पास में इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कितना डिक्रीज कर रहा है 3000। अब बेटा तो मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग पहले दो एंट्री करूंगा, पहले 3000 रुपीज जो आपने IFR एडजस्ट करा इन्वेस्टमेंट उसमें कवर करिए। अब एक नॉर्मल बात है, आप इन्वेस्टमेंट कम तो हो रहा है और हमें एक बात अच्छी तरह पता है, अगर कोई भी एसेट डिक्रीज करती है किसी भी रीजन से तो जनरल एंट्री में हम उसको क्रेडिट करेंगे और IFR से एडजस्ट करो आप उसको डेबिट कर लोगे। तो मैं इसमें पहली एंट्री करूं, फर्स्ट एंट्री दैट इज IFR अकाउंट है मेड टू इन्वेस्टमेंट, ओके, दैट इज रुपीज
3000, फिर भी अब IFR मेरे पास कितना रेमेनिंग रह गया है 2000, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब हमने जिस पर्पस के लिए IFR क्रिएट करा वो काम तो आया है, लेकिन हमने ज्यादा अमाउंट में क्रिएट कर रखा है, 5000 में क्रिएट कर रखा, लेकिन हमने कितना यूटिलाइज करा है, ओनली 3000, दैट मींस रिमेनिंग IFR ट्रीट एज ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और सेम WCR में भी यही होता था कि WCR अगर मैंने 50 क्रिएट कर रखा है और हमारा 40,000 ही कवर हो पा रहा है तो दैट मींस 10,000 इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सेम इसमें भी है, ठीक है। तो नंबर 2 एलिमिनेटर में इसमें बना हूं, तो IFR अकाउंट है बिल रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 2000, वही ओल्ड पार्ट में के ओल्ड रेशियो में, टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू वही ओल्ड रेशियो में 3:2 में 2000 को अगर 3 और 2 में करा तो ये 1200 एंड 800 आ गया। ओके, कंडीशन क्लियर है। अब एक चीज है, हम बजाय तो दोबारा जो कर रहा है आपके, हम बजाय ये दो एंट्री बना देंगे, इसके एक एंट्री तो शो कर सकते हैं। कैसे सर? IFR इसमें भी कॉमन है, डेबिट है, यूटिलाइज हो गया 3000 रुपीज, और IFR रिमेनिंग आपने एंटीसिपेटेड, तो हम इसको एक कंबाइन करके एक एंट्री क्या बना सकते हैं, IFR अकाउंट डेबिट 5000 टू इन्वेस्टमेंट 3000 टू ए कैपिटल अकाउंट 1200 और टू बी कैपिटल अकाउंट रुपीज 800, जो आपको बुक में दे रखी है आप उसको कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट केस नंबर 3 के बाद में, सिचुएशन 3 के बाद में अब हम सिचुएशन 4 में आते हैं। ओके, ठीक है, या केस नंबर 4 यहीं कर सकते हैं, बोर्ड हमारा कवर हो जाए। केस 4, अब केस 4 में वो क्या बोल रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 30,000, गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज आई है मान ली कि इन्वेस्टमेंट 25 से 30,000 हो गया, वेरी गुड। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 30,000, इट इज इंक्रीजिंग अमाउंट, 25 था इन्वेस्टमेंट बट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने पे आ गया बेटा हमारे 30,000 पे, दैट मींस प्रॉफिट दैट इज इंक्रीज अमाउंट इज रुपीज 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5,000। अब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर सर? जिस पर्पस के लिए हमने IFR क्रिएट करा फॉर रिड्यूसिंग अमाउंट वो तो हुआ नहीं, बड़ा हो गया। दो तरफ से गुड न्यूज आ गई हमारे लिए, एक गुड न्यूज एसेट्स का इंक्रीज होना, ये भी पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, और दूसरी गुड न्यूज जिस पर्पस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा था वो हमारा काम आया नहीं, तो अब ओल्ड पार्टनर को डबल साइडेड प्रॉफिट हो गया। रिवोल्यूशन एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ गई है, इट इज अ प्रॉफिट एंड ऑल्सो IFR इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब मैं नॉर्मली एक चीज मानू, मैं इसकी अलग अलग एंट्री करूंगा बेटा। पहली एंट्री नंबर 1, इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज कर गया है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हम इसको क्रेडिट शेड में शो करेंगे, और नॉर्मली पता है जब कोई एसेट इंक्रीज करती है तो जितने अमाउंट से इंक्रीज करेगी उस एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री इंक्रीजिंग की इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज रुपीज 5,000। ओके, नंबर 2, IFR इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, या पहला आप ये भी कर सकते हैं सर ये मेरा प्रॉफिट भी है तो उसको हम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में रेस भी करेंगे। ओके, नंबर 2 एंट्री इसकी मैं कर लूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है टू एस कैपिटल अकाउंट और टू वो ओल्ड रेशियो में 3000 एंड 2000। और थर्ड एंट्री इस पॉइंट पे हमारे पास में क्या बनेगी सर? IFR भी तो यूज नहीं हो रहा है,
तो इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो थर्ड एंट्री फर्स्ट केस की तरह आई एफ आर ऑन देयर हेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000 है वो भी 3,000 और 2,000। अब इसमें भी कंडीशन आ गई कि सर इन दोनों एंट्री को बी और सी को कंबाइन करके हम एक एंट्री भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 5,000, आईएफआर अकाउंट डेबिट 5,000। तो पार्टनर्स के बीच में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? टोटल 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। जो बुक में हमें एंट्री दे रखी कंडीशन नंबर 4 में, पहले आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिवॉल्यूशन, चलो हमने जो एंट्री करी वही करी। आप चाहो तो दो एंट्रीज की एक साथ में कर सकते हैं। बुक वाला भी वही जो मैंने एंट्री बताई है वही को शो कर रहा है, पहले उसने बस थोड़ा सिक्वल चेंज कर दिया है। पहले आईएफआर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रेस करना है, फिर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट की एंट्री करनी है, अपने रिवॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, एंड देन अब ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि बी और सी दोनों एंट्री को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। IFR account debit, revolution account debit 5,510 to AS capital 6,000 or to BS capital 4,000. Okay, clear है बेटा? Okay. Case number 4 के बाद में अब हमारे पास आ रहा है case number 5. Okay. कुछ point WCR से मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं ही नहीं बोलूंगा, पूरी similarities होती है, पूरा difference होता है। हम कुछ कंडीशन में सिमिलर भी मानते हैं कुछ कंडीशन, लेकिन मैंने आपको बड़ा एक चीज क्लियर कर रखी है, जब हम मेन प्रैक्टिकल सब करेंगे फॉर ए 6 मार्क्स, तो WCR हो चाहे IFR हो, आपका कोई भी इनमें से कोई भी एक सिचुएशन या एक कंडीशन आ जाती है, आप उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिकल सम को, न्यूमेरिकल सम को सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो चीज ध्यान में नहीं रखी तो आपका अमाउंट गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, अब केस नंबर 5, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 18,000, सबसे इंपॉर्टेंट इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 18,000, ठीक है, अभी 18,000 पे आ गई, ठीक है। सबसे मेन बात, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है वो कैलकुलेट कर ले, तो डिक्रीज अमाउंट इज रुपीज 25 माइनस 18, दैट इज 7,000। अब आप कंपेयर करो, 7,000 हमारा अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि लास्ट कंडीशन है, थोड़ा ध्यान देके चलना, 7,000 हमारा अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, हमने IFR कितना क्रिएट कर रखा था, केवल 5,000 कम पड़ गया बेटा, 7,000 चाहिए था, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है 7,000, बट हमने इस थोड़े अमाउंट को कम पे क्रिएट कर लिया, ओनली 5,000, दैट मींस 5,000 तो आप यहां से कवर कर लेंगे, ओके, बट 2,000 को कहां से कवर करेंगे, इसे मानेंगे रिवॉल्यूशन लॉस। इसका मतलब 5,000 तो हमारा पूरा कवर हो गया, इट इज नॉट ए अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अब आप ये सोचना मत कि पार्टनर्स में कोई इस सर्टन अमाउंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नो, बचा ही नहीं है सर। लेकिन अब 2,000 रुपए हम कहां से एडजस्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स मान के रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट एंट्री करूं, सबसे पहले तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, इसको इससे मैं मान लो ए भी आप ले लो, ओके, ए पॉइंट, पूरा IFR हमारा जब कवर हो गया है, इन्वेस्टमेंट वही क्रेडिट करेंगे, IFR को आप एडजस्ट कर रहे हो, IFR अकाउंट में क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट रुपीज अवेलेबल जो हमारा आंसर था यूज आ गया। नंबर टू, अब इसी चीज में 2,000 हमारा कम पड़ रहा है, एडजस्ट कर लीजिए रिवॉल्यूशन लॉस में, रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी 2 इन्वेस्टमेंट रुपीज 2,000, ओके। अब ये रिवॉल्यूशन लॉस भी तो है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में इसको डेबिट, नेगेटिव कैपिटल में नेगेटिव फैक्ट है,
थर्ड एंट्री रिवॉल्यूशन लॉस है। अब मैंने बार बार बड़ा एक ही चीज बोलता हूँ, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो पार्टनर कैपिटल वन पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा तो ऐसी कंडीशन में एंट्री में उसको पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये 2000 था, वही 3:2 रेशियो में 3/5 1200 एंड एट। ओके, तो कितनी एंट्री क्रिएट होगी इसमें भी हमारी 1, 2, 3 तीन एंट्री हमने क्रिएट कर ली। बुक में आपको कंबाइन करके एंट्री दे रखी है, वही बात है, चाहूँ तो मैं इन दोनों की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को कंबाइन करके भी एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें भी क्रेडिट है, क्रेडिट है। तो IFR अकाउंट डेबिट 5000, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 2000 टू इन्वेस्टमेंट। तो आप दो एंट्री भी कर सकते हैं, तीन एंट्री, जैसे आपको कन्वेंट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ IFR। इससे पहले वीडियो में मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बताया था, इस सब में हमने जो है IFR को क्लियर कर लिया। ओके, तो इन दोनों वीडियोस को बहुत गौर से आपको देखना बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअली भी आपके सम के लिए, और मेन सम जो 6 मार्क्स का हमारा बनेगा, चाहे एडमिशन के बिहाफ पे बने चाहे रिटायरमेंट डेथ के बिहाफ पे बने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए रहता है, क्योंकि आप हमारे जितने भी छोटे टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटेंट ट्रीटमेंट, गुडविल अभी हम नॉर्मल वे में करके चलेंगे, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा टॉपिक है जिसे आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो आज की क्लास आपका ये वीडियो यहीं ऑफ करते हैं, थैंक यू, बट बी सेफ एट योर होम। अपने स्टडीज को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखिए, रेगुलर स्टडी पे आप स्टडीज कीजिए, कोई भी डाउट्स वगैरह अगर आपके आते हैं, क्यूरीज वगैरह आती है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू।